आपके सामने पेश करें। जैन रहमान एडवोकेट, एडवोकेट्स तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज जो जॉइंट एक्शन तरफी कमेटी तेलंगाना एडवोकेट्स की तरफ से जो धरना चौक पे इंदिरा पार्क के पास में 12 बजे से 5 बजे तक का जो प्रोग्राम है, इस सिलसिले में सारे एडवोकेट्स तेलंगाना के एडवोकेट से अपील करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इसे कामयाब होने में हमारी मदद करें। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये जो आप लोग तमाशा कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ में, भारत के साथ में, इसे बंद करें। ये CAA, NRC और NPR ये जो सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाने के सिवा कोई चीज़ और नहीं है। इसमें आप लोग ना ही कोई ऐसी नई चीज़ पेश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है सो हिंदुस्तान के टुकड़े करने पे तुले हुए। इसलिए हम लोग आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि CAA को फौरन रिपील करें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि NRC को रोक दिया गया है, हम NRC नहीं करेंगे, कि आप लोगों के कोई स्टेटमेंट में ना दम है, ना कोई आप लोगों का कोई बाकी रहा है, कि झूठ बोलने का हद बाकी रहा है। हम लोग आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम NRC नहीं करेंगे, हम NRC का कोई डिस्कशन नहीं हुआ बल्कि, और हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं ये सब सारे गलत हैं। और हमारे अमित शाह साहब खड़े के पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल वाइज में ये जो है सो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और आज पार्लियामेंट में खड़े के रिटर्न में आप दस्तावेज पेश करते हैं कि हम कोई NRC नहीं करेंगे। किसे क्या है साहब, हिंदुस्तान की आवाम कोई पागल नहीं है। आप लोगों की बात समझे, आप लोगों की अच्छी तरह से बात समझती हैं कि ये आप लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए ही आप लोग ये सब NPR को लेके आए हैं। हम आप लोगों से ये बता रहे हैं कि सेंसस अगर करना है आप लोग तो 2011 के हिसाब से सेंसस करिए, और कोई NPR की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी 2010 सेंसस में है वही हिसाब से आप सेंसस करें। और सारे तेलंगाना के एडवोकेट से फिर एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम में आए और उससे कामयाब तरीन प्रोटेस्ट दर्ज करा। मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्कनी एडवोकेट, को कन्वेनर ऑफ तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट NRC, NPR एंड NCR, CAA। सर, ये तारीख रही है कि इंसाफ की लड़ाई में सदियों से, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी वकलाओं का बहुत योगदान रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तकरीबन वकलाओं ने इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत की सोच के मिजाज से बनाया गया है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने के लिए वकला पीछे नहीं रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेशन भी होता है भारत में तो वकला पीछे नहीं रहेंगे। यही वकला की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वकील समाज का एक ज़िम्मेदार शहरी होता है, सोशल इंजीनियर होता है। और ये जब से चेओस चल रहा है, अफरा तफरी शुरू हुई है NCR, CAA, NRP को लेकर, तो हमें ज़रूरत है तमाम वकला की, खुसूसन तेलंगाना और अदर स्टेट्स के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटीज़, ये गैर क़ानूनी और ये अवाम के ख़िलाफ़ जो क़वानीन बन रहे हैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आ गया है। इसी तरह जैसा कन्वेनर साहब ने कहा है कि असल ये मुल्क को नफ़रत में बांटने के लिए लाया जा रहा है, और इसके पीछे
ये قوانین لانے کے پیچھے سب سے پہلا مقصد رولنگ پارٹی کی پولیٹیکل موٹیو ہے. جبکہ یہ وقت ایسا ہے جہاں اکنامک کرائسس ہو گیا ہے, جبکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش اور پاکستان کی جی ڈی پی ہائی ہے, ایسے حالت میں اکنامک ایمرجنسی اتنی ہے کہ بڑے بڑے کمپنیز شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, اکنامک کرائسس ہو رہا ہے, اور یہ سب چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈیویژن اینڈ ڈائیورشن پالیسی بی جے پی جو صدیوں سے اختیار کرتے آ رہی ہے, وہی ہی ڈیویژن اور ڈائیورشن کی پالیسی کے حساب سے پہلے سی اے کا بات لائی گئی, پھر اس کے بعد این آر سی کی بات لائی گئی, پھر اس کے بعد این پی آر کی بات لائی گئی ہے. کنوینر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے, یہ ہمارا کل جو پروٹیسٹ ہوگا دھرنا چوک اندرا پارک کے پاس سیٹرڈے کل 12:30 سے 4:30 تک, اور یہ اس میں تمام سینئر وکلا اور یعنی یہاں کے تلنگانہ کے وکلا پورے جوائن ہوئیں گے, اور اس میں ہم یہ جو بیڈ لیجسلیشن سے رولز ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ درج کریں گے, اور درخواست جو پرمیشن کی ہے وہ ڈال دی گئی ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کو پرمیشن مل جائے گا, کیونکہ اب اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک وعدہ تو کے سی آر صاحب نے کیا ہے کہ وہ بھی این آر سی این پی آر کے خلاف ہے, تو یہ جو سوچ ہے حکومت کی, یہ سوچ کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھیں گے کہ یہ سوچ کو لیتے ہوئے پولیس بھی ہم کو پرمیشن دے دے گی انشاءاللہ. سپریم گروپ کی نئی پیشکش سپریم فارم لائن, جہاں سکون اور خوشیاں باہیں پھیلائے آپ کے منتظر, نقد اور آسان اقساط کے لیے ابھی کال کریں